हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर कोई बेदाग और खूबसूरत त्वचा चाहता है। यही कारण है कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बेहिसाब तरीके से पैसे खर्च कर देते हैं। बाजार में कोई भी नया ब्यूटी प्रोडक्ट आते ही हम उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन ये केमिकल प्रोडक्ट्स हमें कुछ ही दिन के लिए ग्लो देते हैं और फिर इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल चीजों से ही आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। नंबर एक, क्लेंजर। ग्लिसरीन त्वचा से धूल और गंदगी को हटा के इसे साफ बनाती है। आप इसे गुलाब जल में मिलाकर क्लेंजर के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप गुलाब जल और ग्लिसरीन को पूरे चेहरे पर लगा लें और हल्के हाथों से मसाज करें। रोज इसका इस्तेमाल करने से आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। नंबर दो, मॉइस्चराइजर। ग्लिसरीन त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज मानी जाती है। ये त्वचा के रूखेपन और दाग धब्बों को हटाने के लिए काफी फायदेमंद है। आप रुई को ग्लिसरीन में डुबोकर इसे त्वचा पर लगा सकते हैं। इसे लगाने के तुरंत बाद ही आपकी त्वचा नरम और मुलायम दिखने लगेगी। नंबर तीन, दाग धब्बों को कम करें। ग्लिसरीन की ये खासियत है कि ये त्वचा के दाग धब्बों और मुहासों को कम करती है, पर ऐसा ग्लिसरीन के नियमित इस्तेमाल करने से ही संभव है। आप दाग धब्बों और मुहासों वाले स्थान पर ग्लिसरीन को लगा लीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे निशान कम होने लगेंगे और दाग धब्बों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नंबर चार, छुपाए बड़ी उम्र की निशानियाँ। बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की नमी खत्म होने लगती है, जिस वजह से त्वचा पर झुर्रियां और दाग धब्बे आदि की समस्या हो जाती है। ग्लिसरीन आपके लिए एंटी एजिंग का काम करती है। ये एक सस्ता व प्रभावशाली उपाय साबित हो सकता है। झुर्रियां कम करने के लिए गुलाब की पत्तियों के पेस्ट में दो बूंद ग्लिसरीन को मिला लीजिए। 20 मिनट तक अपने चेहरे पर इसे लगा रहने दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में बढ़ती उम्र की निशानियां कम होने लगेंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।